राजनीति छोड़ काहे नहीं देते हो, काहे जरूरत है राजनीति में आने की, अगर इतना छोटा सा काम नहीं होता तो काहे वोटरों को परेशान कर रहे हो। ये भाषण मैंने सुना उस व्यक्ति से जो बड़ा साधारण व्यक्ति था। आनंद भाग 14, जो 13 भाग हैं वो ऑडियो के हैं, उनकी वीडियो बाद में आएगी। एक बार आनंद भगनमान बुद्ध के पास जाते हैं और पास जाके खड़े होते हैं, अभिवादन करते हैं और फिर पूछते हैं, भंते निरोध धम्मा क्या होता है, निरोध जो धम्म है वो क्या है। भगवान बुद्ध उनको कहते हैं कि रूप का, यानी कि जो शरीर है, शरीर के अंदर जो जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सारी की सारी वह धम्मा है, 6 धम्मा है, यानी वो पैदा होती हैं, वो खत्म हो जाती हैं, शरीर बनता है, शरीर नष्ट होता है, पटित समुत्पाद हैं, यानी कि प्रति उत्पन्न होती हैं और बदलती रहती हैं, प्रति उत्पन्न होती हैं और बदलती रहती हैं, संखारित हैं, यानी कि मॉडिफाइड हैं, मॉडिफाइड होती रहती हैं, बदलती रहती हैं। ये सारे जितने भी धम्म हैं, यानी रूप में शरीर के अंदर जो भी ये परिवर्तन हो रहे हैं, उन सबको निरोध धम्मा कहते हैं। इसके अलावा जो रूप में नहीं होते, हार्डवेयर और शरीर में नहीं होते, जो सॉफ्टवेयर में होते हैं, यानी जिनमें वजन नहीं होता, जो वस्तु में नहीं आते मगर नाम में आते हैं, कैसे रूप और नाम बोलते हैं जिनको, जिसके अंदर वेदना होती है यानी सेंसस होते हैं, संज्ञा होती है यानी मेमोरी होती है, जिसके अंदर संखार होता है, संखार यानी कि कोड होते हैं, और जिसके अंदर व्याणा होता है, व्याणा यानी विज्ञान होता है। ये चारों चीज नाम में आती हैं और ये चारों चीजें तरंगों के रूप में चलती हैं, इनका वजन नहीं होता कहीं। यानी कि जो वेदना है शरीर में आप महसूस करते हैं कैसी आती हैं, जो संज्ञा है यानी संज्ञा है मेमोरी है वो आपके दिमाग में रहती है, मेमोरी है, उसका कोई वजन नहीं होता। जो संखारा है वो कोड फॉर्मेशन होती है, यानी कि मेमोरी कोड के रूप में जमा रहती है, और जो व्याणा है जो उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसको व्याणा बोलते हैं, जो ट्रांसफर होती है। ये चारों चीज नाम में आती हैं, ये वह धम्मा है, उत्पन्न होती हैं, खत्म हो जाती हैं, 6 धम्मा है, 6 धम्मा है, यानी कि ये पैदा होती हैं, खत्म हो जाती हैं, ये प्रति उत्पन्न है यानी कि पटित समुत्पाद में आती हैं, इनका प्रति उत्पन्न उत्पाद होता रहता है, खत्म होती रहती हैं। ये सारी की सारी जो भी आती हैं ये संस्कारित हैं, संखारित हैं, और ये निरोध धम्मा है। निरोध का मतलब होता है निरुज्झति, निरुज्झति का मतलब है निरुद्ध करना, निरुद्ध का मतलब है बिल्कुल जड़ से विनाश करना, फिर नहीं पैदा होने देना। तो वो कहते हैं कि ये रूप और नाम यानी शरीर और मन के जितने भी चीजें चलती हैं वो सारी की सारी ऐसी हैं कि जो खत्म की जा सकती हैं जड़ से, और जो खत्म होती हैं जो नाम उन्होंने यहाँ बताए हैं, और इसकी व्याख्या उन्होंने समय समय पर बहुत बार भी की है। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं, और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Good time.
गच्छामि। Kamesu mitcha chara virmani sikkha padam smadhyami।